हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वे इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन क्लास सेवेंथ आईआईटी फाउंडेशन का जो फैक्टराइजेशन का सेल्फ असेसमेंट है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट का बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन ए था। फर्स्ट का ऑप्शन बी में बोलता है कि ए माइनस टू सी इज द फैक्टर ऑफ ए पावर फोर और फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है कौन सा, इसके फैक्टर है ए माइनस टू सी, ये बोल रहा है। चेक करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ऐसा करते हैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा फोर सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस टू सी का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल, यानी a माइनस टू सी इसका एक फैक्टर है, यानी a स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बोलता है, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक अपने को है। यहाँ पे 2x प्लस 7 है और बोल रहा है इज अ फैक्टर ऑफ 8x क्यू माइनस 27। ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर बनाना है, अगर इसको फैक्टर करते हैं तो 2x का होल क्यू और माइनस 3 का होल क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल। चलिए ए माइनस बी का होल बनाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर यानी फोर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी अब ए बी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टू एक्स इंटू थ्री माइनस ए बी, यहाँ माइनस है तो ये प्लस ए बी होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी नाइन। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, है ना। अब देखते हैं 36 है ना, तो 36 बनाना है अपने को और 6 चाहिए अपने को। तो 36 को अगर फैक्टर बना सकते हैं तो देखिए क्या हो सकता है, 12 और 18 और 2 से 9। ठीक है, 3 जा 9, तो 9 माइनस 4 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, 9 माइनस अगर 6 किया जाए तो नहीं आ रहा है, 12 3 जा भी नहीं हो जाएगा, अब 6 आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर नहीं बना सकते। ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए 2x माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी, 2x प्लस इंटू 3 है ना, ए बी का वैल्यू इतना है और यहाँ से बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसके फॉर्मूला। तो यहाँ से इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यानी अपने को इसका फैक्टर नहीं छू सकता, ये स्टेटमेंट में यहाँ से कुछ मिस्टेक है इसमें, देखेंगे। थर्ड डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या बोलता है इसका, कि डी नंबर बोलता है 3a स्क्वायर माइनस 10 13a माइनस 10 बाई 9a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल है, इसके इक्वल है a माइनस 5 बाई a माइनस 5 बाई 3a माइनस 2। अब देखिए इसका ऑप्शन जो बनने जा रहा है, अगर ये 30 बन जा रहा है तो इसका फैक्टर बन जाएगा LHS का, LHS का फैक्टर क्या बनने वाला है 30, अच्छा 3a स्क्वायर। 30 को अगर बात किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं 10a माइनस 3a, लेकिन ये प्लस 30 बन जाएगा, फिर से इसके फैक्टर को हम नहीं बना सकते, ऊपर वाले तो जैसा रहे वैसे ही रहेगा, 3a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 10, और यहाँ से इसको लिख सकते हो 3a का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यहाँ से कुछ बनने नहीं जा रहा अपने को। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आपका आंसर भी दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन, यानी ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन में फैक्टर टूट ही नहीं रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो सकता है,
लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके साथ अभी चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोलता है पी इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर। अगला क्या बनने जा रहा है, माइनस क्यू आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों से कुछ वैल्यू कॉमन निकालते हैं। तो अगर इन दोनों की बात किया जाए तो चलिए पहले इन दोनों में से आते हैं। तो पी क्यू कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, पी क्यू कॉमन निकाले तो यहाँ से क्यू बच रहा है और यहाँ से माइनस पी बच जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से हम माइनस आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से, तो बच जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक है। अब चूंकि दोनों को सेम बनाना है, ठीक है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस पी क्यू और ये पी माइनस क्यू हो जाएगा इंटू माइनस आर स्क्वायर पी माइनस क्यू। तो इन दोनों में से ये बाहर आ जाएगा पी माइनस क्यू। अब ये आ जाएगा, देखिए यहां से पी माइनस क्यू, इन दोनों में से प्लस आर स्क्वायर कॉमन निकाले थे, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्लस आर स्क्वायर और इसको पहले लिख दिया और माइनस पी क्यू। इसका ऑप्शन जो है वो बी, ऑप्शन बी सही है इसका। इसका ऑप्शन डी सही दिख रहा था स्टेटमेंट, देखेंगे।